माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणा स्रोत स्वदेशी आंदोलन के देशमान्य नेता आदरणीय मुरलीधर राव जी, सम्मानित मंच एवं सम्मानित सदन, स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बहुत वर्षों से इस सरकार के प्रति यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यह सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, अपने दुष्कर्मों पर लिपापोती करने के लिए इस देश को बेचने के किसी भी उपक्रम में पीछे नहीं रहेगी, और उसी के तहत मंच की आशंका बिल्कुल सही साबित हुई और इस सरकार ने दबे पांव बिना संसद को विश्वास में लिए, बिना लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में किए, संसदीय समिति की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए छद्म रूप से बिल्कुल छुपे तरीके से खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कानून को इन्होंने लागू किया, जो मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक कदम है। माननीय मुरली जी भाई साहब के लिए यहाँ के व्यापार जगत और लोगों का परिचय सभी लोगों से है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर यहाँ के व्यापार जगत ने कई सारे कार्यक्रम किए, आंदोलन में भाग लेना चालू किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं व्यापारी कुछ धीरे धीरे गति पकड़ता है, और जब ये आंदोलन गति लेगा तो ये मारवाड़ जो क्षेत्र है, जहां में पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं जिन्होंने पूरे देश दुनिया में खुदरा व्यापार में अपनी धाक जमाई है, और यदि हमारे अस्तित्व पर आंच आएगी तो हम या तो सरकार ये निर्णय बदलेगी, नहीं तो हमारी ये ताकत है कि हम इस सरकार को बदल कर रखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सरकार ने, सरकार की यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी से लेकर, सरकार के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा जी से लेकर, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो दुर्भाग्य से हमारे शहर जोधपुर से हैं, अशोक गहलोत जी से लेकर, सभी लोग एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हम बिचौलिए हैं। वह कहते हैं कि बड़ी कंपनियां आने से ये बिचौलिया हट जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं हम व्यापारी भाइयों से, व्यापार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं, और व्यापार में हमने कभी भी, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो पहले शुभ लाभ लिखते हैं। हम ऐसा लाभ भी नहीं चाहते जो किसी का अशुभ होकर आए, हम ऐसा लाभ नहीं चाहते जो किसी की हानि होकर आए, हम अपने लाभ से पहले शुभ लिखते हैं। हम उस व्यापार परंपरा के लोग हैं, और हमें बिचौलिया कहकर जो लोग संबोधित करते हैं ये शर्मनाक है, और मैं उन्हें धिक्कारपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि ये शब्द प्रयोग बंद करें। यहां के व्यापारी पूरी देश में, पूरे विश्व में जिन व्यापारियों की इज्जत है, उन व्यापारियों के बारे में सरकार के मुखिया यदि इस तरह के घटिया शब्द प्रयोग करते हैं तो वह ये व्यापारी समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम इस आंदोलन को आर पार की लड़ाई के रूप में लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मारवाड़ है, और माननीय मुरली जी भाई साहब के बारे में जब विश्व व्यापार संगठन के आंदोलन का बीड़ा आपने उठाया, लगभग कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी, लोग WTO के बारे में समझते नहीं थे, लोगों को लगता नहीं था। जोधपुर की एक घटना आपको बताऊं, हमने किसान संघ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें 10,000 लोग थे, और थानेदार का स्वदेशी कार्यालय में फोन आया कि ये WTO कौन से हलके में आता है, कृपया हमारे को बताएं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कोई समझता नहीं था। माननीय भाई साहब ने अपने कुशल नेतृत्व और सूझबूझ के साथ इस देश को और विश्व के विकासशील देशों के समक्ष ये बात रखी कि या तो इसको तोड़ो छोड़ो या मोड़ो, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल हुए हैं। चाहे वो मछुआरों का आंदोलन हो जिसके लिए आपने पूरे समुद्री तट पर पदयात्रा की, चाहे वह नीलगिरी के चाय आंदोलन हो जिनके लिए आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, और अभी हाल ही में देश के बुनकरों के लिए आपने हजारों हजारों लोगों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करके उनके हितों के लिए संघर्ष किया है, यदि आपने इस आंदोलन का बीड़ा उठाया है तो मैं निश्चित रूप से मारवाड़ के आम व्यापारी से कत्तल ध्वनि के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां भी जरूरत होगी, तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से, हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। आप नेतृत्व करें, दिशा दें, मार्गदर्शन दें। इसी आशा और शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय स्वदेशी।